बस आप यू गाइस, उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अपने घर बैठ के फ्री दिनों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं भी घर बैठा हूँ, फ्री दिन एंजॉय कर रहा हूँ। और पहला जो मैसेज है वीडियो में वो यही है कि घर बैठे आराम सुकून से फ्री दिन एंजॉय करें, चिल करें, ठीक है, डिफरेंट काम करें। जैसा कि मैं आज उठ के, ठीक है, 2 दिन हो गए हैं और आज उठ के मैंने कंप्लीट अपना हेलमेट, ग्लव्स ये वॉश कर दिए। उसके बाद बाइक अभी रहती है, ठीक है, रूम सारा साफ़ कर दिया, सारी चीज़ें क्लीन कर दी। छोटे काम हैं वो आप कर लें। और आज जब मैं व्लॉग बनाने, मतलब व्लॉग मैंने शूट किया हुआ था, मैंने कहा अपलोड करूं, तो अपलोड करने लगा तो काफ़ी सारी फाइल्स जो हैं उसमें से करप्ट हो गई थी। तो सोचा कि एक इधर से इंट्रो शुरू कर देते हैं, कुछ शॉर्ट्स बचे हैं वो आप देखें, ठीक है, देख के फिर वापस मैं इधर ही बैठा हुआ हूँ, इधर आज घर में ही बैठा हूँ, घरे बह के मार लिया ने गल्ला, ठीक है, ते फिर इतने ही मार दे गल्ला, वापस आओ तुसी। तो अरिस भाई क्या कहते हैं, बाइक आप अंदर बुलवा लीजिए जी, बाइक बुलवाए ना, ठीक है, चले आए हैं जी गाइस। बेटा मोटरसाइकिल ले आवा जी बाइक के अंदर, एक नंबर लिफ्ट पे लगा दे। हाँ गाइस, देखते हैं प्रोसेस सारा, ठीक है, चलते हैं। भाई ये जो सीन है, ठीक है, आज मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, वैसे मैं ट्यूटोरियल्स खुद बनाता रहता हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ आज अगर इस शॉप में ट्यूटोरियल बना लिया जाए तो अच्छा हो जाए, ठीक है। हम बॉयज़ को बता दें, बॉयज़ टूर वगैरह भी मारते हैं, सारा सीन करते हैं, तो उनको बताया जाए कि अगर आपके ड्रम रबर्स सारी बात ड्रम रबर या ब्रेक शू इनका इनका कैसा प्रोसेस, मतलब खोलने जोड़ने का, ठीक है, ले है जी। इस प्ले से एक तो फॉल्ट मुझे पता लगा है कि अब ये जो गियर्स होते हैं वो थोड़ा प्रॉब्लम करती है गियर्स खेलने में, ठीक है, दूसरा ये ड्रम टूटने का खदशा होता है, अगर रबड़ ख़त्म हो जाएगा ना तो वो इसकी दीवार होती है इसी मटीरियल की, ठीक है, और वो उसको तोड़ देगा, ठीक, मतलब कि अभी नुकसान होगा आपका, ये जो कास्ट व्हील है ना ये डैमेज होगा, ठीक हो गया, ठीक है, डब नंबर चेंज कर। तो वैसे तो हमारे लिए वो वेटिंग एरिया है, ठीक है, ये इधर मतलब सारा पूरा प्रोसेस बोर्ड वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, नो अनऑथराइज एंट्री, ठीक है। तो ये जैसा कि बाइक प्रोसेस हो रही है सारी, और ये वो वेटिंग एरिया है, पर हम ट्यूटोरियल थोड़ा बना रहे हैं तो वो दिखा सकते हैं ना जी जी। तो चलें आप ट्यूटोरियल एंजॉय करें, उसके बाद फिर वापस आते हैं। Thank you.
अब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ये क्या चीज़ थी। बेसिकली ये थे स्पॉकेट्स के बीच में रबर्स होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं आम जुबान में ड्रम रबर्स, ठीक है। वो मैंने चेंज करवाए हैं बिकॉज़ उनकी वजह से बीच में काफ़ी प्ले आ जाती है और गियर डालने में प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारे मसले मसाइल, और उसकी वजह से चैन और स्पॉकेट में फ़र्क पड़ता रहता है। तो वो मैंने चेंज करवा दिए। अब आप बोलेंगे इसमें कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस तो नहीं थी, रॉकेट साइंस वाकई नहीं थी, पर मैं जो भी काम करवा रहा हूँ फर्स्ट फर्स्ट टाइम है, ठीक है। अपने बाइक का जो भी मतलब चैन चीज़ चेंज हो रही है वो फर्स्ट फर्स्ट टाइम है। तो मैं उनको ना एक याद ना के ऐसे मतलब ना वीडियो ना के रखना चाहता हूँ। तो दूसरी बात रहेगी, आजकल घर बैठे हुए हैं, ठीक है, आप मुझे बताएं अगर आपको कोई वीडियोस चाहिए, किसी चीज़ के ट्यूटोरियल्स चाहिए घर बैठ के, आई हैव ऑल द टूल्स, सब काम हो सकते हैं। आपको सीखना है बाइक कैसे खोलते हैं, और अगर कोई काम आपके जहन में है और कोई काम आप बताएं तो वो कर देते हैं, ठीक है, आपको उसके बारे में मैं वीडियो बना दूंगा। और दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि घर में कैसे बैठा जाए, तो घर में बैठने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि घर बैठें और टीवी वगैरह देखें, एंजॉय करें, ठीक है। और जो आपका छोटा मोटा काम है, जैसा कि आज बैठ के मैंने घर पूरा अपने रूम की सफाई शाई कर दी और अभी खुद ही बिरयानी बना के बिरयानी खा के इधर आ रहा हूँ, इधर क्या रूम में आ रहा हूँ, और लेज़ बहुत खाए हैं इन 2-3 दिनों में, लेज़ो लेज़ कर दिया है, बस यही कुछ चल रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाए, आप भी दुआ करें, हम लोग भी दुआ कर रहे हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं इधर ही एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और कोई वीडियोस चाहिए, ठीक है, टेल मी, आई विल मेक द वीडियो, और आप देखें और इन्जॉय करें, बस घर बैठ के हमारा यही काम है।